लोग बात करने वाले हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की, जो कार पत्रिका की आ रही है त्रिभुज की, 4/9/2023 की, उसके बारे में विषय है। ठीक है, आपका कॉन्ग्रेंट त्रिभुज के समगत भाग। विद्यार्थी आइए एक त्रिभुज की जो है आपके कॉन्ग्रेंट के बारे में बेहतर समझ विकसित करते हैं। आइए हम दो त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF लें, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यदि DEF ABC को रखता है तो एक दूसरे पर पूरी तरीके से ढक जाते हैं और इनके भुजाएं और कोण बराबर हैं। याद रखिएगा, अगर हम इस वाले कोण को उठाकर इस वाले के ऊपर रख दें इस त्रिभुज को, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी देखो भुजाएं, ये 6.5 की है, ये भी 6.5 की है, ये 5 की है तो ये भी 5 की है, ये 4.5 की है तो ये भी 4.5 की है, ये 80 है तो ये भी 80 है, ये 48 है तो ये भी 48 है, ये 52 है तो ये भी 52 है। तो क्या हम ABC नियरली इक्वल कॉन्ग्रेंट FED लिख सकते हैं? तो चलिए आइए देखते हैं। वीर ABC जो होगा FED लिखना सही नहीं है, क्योंकि AB जो है वो DE के बराबर है, BC जो है वो EF के बराबर है, CD जो है वो DF के बराबर है। तो एंगल A, एंगल D, एंगल B, एंगल E और एंगल C और एंगल D, इसलिए संबंधित भागों को सही क्रम में लिखना चाहिए। अच्छा देखो, ठीक है महोदय जी, इसका मतलब ABC जो होगा वो DEF के लिखना चाहिए। हाँ, और यहाँ पर जो त्रिभुज के संगत भागों को CP CT के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्ग्रेंट त्रिभुज और उनकी सभी संगत कॉन्ग्रेंट भागों के नाम दीजिए। आइए यहाँ पर आप देखोगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखेगा EDF बराबर नियरली इक्वल टू ट्रायंगल EHF। यहाँ पर देखोगे DE जो है ये बराबर है किसके, आपके DE जो है ये बराबर हो जाएगी किसके, यहाँ पर FH के, किसके, FH के। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखोगे DE जो है FH के बराबर हो जाएगी, इसके बाद EF के बराबर हो जाएगी। ठीक, एंगल E जो होगा, ठीक है, एंगल आपका DEF जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल आपके HFE के। ठीक है, तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, पूरा का पूरा इस वाले के साथ में नोट कर लीजिएगा और इस वाली लाइन को सबसे पहले लिखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप देखो CD जो है वो बराबर हो जाएगी, CD जो है वो बराबर हो जाएगी DE के। ठीक, CD जो है वो बराबर हो जाएगी DE के, AC जो है वो बराबर हो जाएगी BE के, AD जो है वो बराबर हो जाएगी BD के, एंगल A जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल B के, एंगल D जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल D के, और एंगल C जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल E के। और यहाँ ऊपर लिख लेना ट्रायंगल DCA कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल DEB के। तो अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।